जानू, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हें लेट होगा आज। अच्छा, डिनर करके आओगे? उन्हों घर पे डिनर नहीं करेगा? तुम्हारा फेवरेट लेमन चिकन बनाया था और साथ में बैंगन का भरता भी। तभी घर पे डिनर नहीं कर रहा है मोनू। माया बेटा, ये चिकन कौन सा और बैंगन कौन सा है इसमें? ओके, मैं रखती हूँ। आई लव यू टू, मिस यू, बाय। ये बैंगन है? ये चिकन है पापा जी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, पेट पे जाएगा तो क्या चिकन क्या बैंगन। माया, माया, मोनू आजकल देर से आने लगा है ना? हाँ, वो ऑफिस में आजकल काम बहुत बढ़ गया है। हाँ, नहीं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर पति ऑफिस से देर से आना शुरू कर देना तो पत्नी को थोड़ा सा चौंकाना हो जाना चाहिए। आप अपने ही बेटे पे शक कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, मेरा मोनू तो दूध का धुला है, मेरा मोनू तो गाय की तरह सीधा है। पर अगर कोई गैया उसके सामने से घंटी बजाती हुए या कमर लचकाते हुए निकल जाए ना, तो फिर क्या भरोसा है ना? मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती है कि सुमित का कोई चक्कर चल रहा है? माया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर डाकू घर लूटने वाले हो ना, तो तिजोरी को ताला लगा देना चाहिए। अबे क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, बकवास किए जा रही है। माया बेटा, ये मोनू का कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा। अरे मैंने कब कहा इसे? मेरी समझ में आ गया है कि वो घर क्यों नहीं आना चाह रहा। वाह, खुद की चड्डी बनियान कहाँ रखी है, ये तो याद नहीं रहता और दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। अबे आदमी को घर आके मिलता क्या है? बीवी की किचकिच, बच्चों की पकपक। आदमी जो है बब्बर शेर होता है, उसे खुले जंगल चाहिए, शिकार चाहिए, हरी लहराती घास चाहिए। पापा जी, जलेबी आना तलिए। ना बेटा, असली मर्द ना वो घर पे रह के खुश रह ही नहीं सकता। अरे भाई, बाहर यार दोस्त होते हैं, हंसी मजाक मौज मस्ती होती है, और घर पे रह के ये क्या? बोलो ना, बोलो, मुंह खोलो। अभी समझदार को है ना, इशारा ही काफी होता है। पापा जी, आप कहना चाहते हैं कि सुमित जानबूझ के घर नहीं आ रहा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। माया बेटा, पहले पहले है ना, तुम्हारी मम्मी जी को भी यही लगता था। ये चिकन बहुत अच्छा बना है। वो बैंगन है पापा जी। आखिरी विकेट जीतने के लिए 22 रन और हमारे बल्लेबाज सुमित वालिया के हाथ थर थर कांप रहे। मनदीप, देख अब मेरी धुएंदार बल्लेबाजी। चल पहले खेल तो सही, तुझे हरा दूंगा। चल ना। जय सचिन तेंदुलकर बाबा की। सुमित, कम ऑन। बढ़िया 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 बढ़िया, एक और। और आखिरी बॉल पे 4 रनों की जरूरत। और ये गया। धमाकेदार बल्लेबाज रहे हैं सुमित वालिया, बुक क्रिकेट चैंपियन। थैंक यू। हेलो, हाय। हाय, मैं जाओ। हाँ, मैं एक डरो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचा तुम बहुत मेहनत कर रहे होगे, तो आज डिनर ऑफिस में ले आती हूँ। आज तो मेरी कमर ही टूट गई। भारत ने उसका बुक क्रिकेट चैंपियन बनने में बहुत एनर्जी लगी होगी ना? माया, तुम जानती हो ये किताबें कितनी भारी होती हैं? माया, काम से ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। अब देखो, ब्रेक खत्म, सब डबल मेहनत से काम शुरू कर देंगे। ए गाइस, पिज़्ज़ा आ गया है। हाय माया। हाय। ये
ये पिज्जा किसने ऑर्डर किया है? इसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। सुमित, अगर माया पिज्जा खाने वाली है तो तेरे हिस्से में से कटोगा। मैं ही उल्लू जो घर बैठे बैठे चिंता करती रहती कि तुमने डिनर किया कि नहीं। माया, तुम उल्लू नहीं हो। और आज तुम्हें डिनर ऑफिस ले आई ये सोच के कि तुम भूखे हो गए। अच्छा माया, तुम डिनर में क्या लेके आई हो? लेमन चिकन। लेमन चिकन फिर से? पापा जी ठीक कहते हैं। माया, पापा जी का कहा कुछ भी ठीक लगे तो समझ लो कि तुमने कुछ गलत सुन लिया है। तुम घर वापस नहीं आते क्योंकि तुम यहाँ ज्यादा एंजॉय करते हो। मेरा फेस देखो, तुम्हें ये हैप्पी फेस लग रहा है? और तुम तो मेरा हैप्पी फेस जानती हो माया। और क्यों नहीं करोगे एंजॉय? यहाँ ना बीवी की किटकिट ना बच्चों की पक पक। काश मैं भी तुम्हारी तरह मटर गश्ती कर पाती। माया तुम क्या कह रही हो? तुम लोगों के बिना मजा करना भी सजा है मेरे लिए। अच्छा एक बात बताओ, भाभी। हाँ, कुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस, थोड़ी पर्सनल बातचीत चल रही है। और कोई अंदर ना आना यहाँ पे, यहाँ पे सुमित की पर्सनल बातें चल रही हैं। ओके। एक बात बताओ सुमित। सुमित, घर पे तो तुम वैसे भी कुछ भी काम नहीं करते, ऑफिस में भी कुछ नहीं करते। अरे अरे आज ही स्ट्रेस कम है, वैसे हम लोगों के लिए बहुत काम होता है। क्यों झूठ बोल रहा है, आजकल काम ही कहाँ है? वो तो ऑफ सीजन चल रहा है, ये तो घर पे बैठ के आराम से कर सकता। हाँ। आपके यहाँ घर पे बैठ के काम करने की भी चॉइस है? बॉबी तू ना ज्यादा चोंच मत लड़ाया कर, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ऑफिस तो आना ही पड़ेगा ना यार। ना जी ना, ये तो आर्टिकल लिख रहा है वेबसाइट के लिए, ये तो घर पे बैठ के आराम से लिखा जा सकता है। सॉस। क्या ये सच है सुमित? हाँ, मतलब बॉस की परमिशन भी तो चाहिए ना। तुमने मांगी परमिशन? इतना सिंपल नहीं है माया। बहुत ही सिंपल है सुमित, तुम हमारे साथ वक्त बिताना ही नहीं चाहते यार। चलो मैं कल ही बॉस से परमिशन मांग लूंगा। ऐसा कर, अभी की अभी मांग ले। ओरे बॉस, ठीक है। थैंक यू बॉबी, जब घर से काम करूंगा ना तो तुझे बहुत मिस करने वाला हूं मैं। लेमन चिकन खाए? बेटा इस टाइम मैथ्स पे ध्यान देना, लास्ट टाइम बहुत कम मार्क्स मिले थे। टाटा पापा। बाय, मैं सन्नाटे में तुम लोगों का इंतजार करूंगा। ड्रामा बंद करो, बाय सुमित। हाँ, मुझे क्या गम है, पजामा पहने घर बैठे तनख्वाह कमाना, ये तो मेरे बचपन का सपना था। एनीवे, बाय बच्चा। बाय बाय बाय, टेक केयर। चलो जल्दी जल्दी बस आ जाइए। चलो सुमित बेटा काम पे लग जाओ। हेलो, हाँ बॉबी क्या चल रहा है? बस घर बैठे मजे कर रहा हूँ। ये शोर का मजा है? हाँ, रोहन का बर्थडे है ना। अरे यार बिरयानी मंगवा रहे हो? अच्छा मेरे लिए ना वो काजू वाली। नहीं नहीं सॉरी, मैं तो आ ही नहीं रहा ना, भूल ही गया। अरे यार माया, तू घर पर है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ नहीं हूँ। यहाँ नहीं है तो बोर कौन रहा है? मोनू बोल रहा हूँ मम्मी जी। अरे मोनू, तो ऑफिस नहीं गया? बुखार है क्या तुझे? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनू, मोनू घर पर है। अरे मम्मी जी, आप सोनू को क्यों बुला रही हैं? अरे अगर तेरी गाड़ी खराब है ना तो सोनू छुड़ाएगा उसकी जीप में ऑफिस। उस खटारे में बैठने से तो अच्छा है कि मोहल्ला ही छोड़ दूं। तू घर पे? हाँ। आखिर नौकरी से निकाल ही दिया ना? नौकरी से नहीं निकाला, मैं घर से काम कर रहा हूँ ताकि फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। ये बता, ये पतलून तुझे ठीक लग रही है?
अभी भी बड़ा हो रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, डिपार्टमेंट की पतलून है, इतना ना काटिए। अरे फैशन है आजकल। चोर चक्को खूनी डकैतों को डरा धमका के रखना होता है, ये पतलून देख के कौन डरेगा मुझसे। थैंक यू के बदले शिकायत मिलती है मुझे। वैसे ही प्रमोशन नहीं हो रहा है सालों से, और ये जलालत अलग से, मेरी शादी भी नहीं हो रही है। मम्मी जी अब आप भी प्लीज जाइए, मुझे बहुत काम है। ये क्या है? ये ऑफिस से वीडियो कॉल। तू तो आया नहीं, हमने सोचा गिफ्ट तेरे सामने ही खोल दे। क्या कर रहे हैं ये लोग? वो रोहन का बर्थडे है ना, तो सब लड़के थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे रोहन। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। जहाँ बना तोहफा कबूल करे। इन्होंने पैंट क्यों उतारी? अरे ये चड्डी में क्यों नाच रहे हैं? कोई उन्हें रोको वरना चड्डी भी उतार। नहीं मम्मी जी, वो थोड़ा जोश में कभी कभी। तू ऐसे लोगों के साथ काम करता है? कोई जरूरत नहीं है, अब से ना घर से ही काम किया कर, मैं चेकिंग करूंगी। और तेरे दोस्तों को ना जाके बोल पतलून घुटने से ऊपर है उसे में इज्जत है। देख क्या रहा है, खोल काम शुरू कर अपना, मैं यही रुकूंगी। अरे ये सब क्या है सुमित, सारे डब्बे खोल के क्यों रखे हैं? सारी चीजें सिल जाएंगी। मम्मी जी आपके होते हुए। नहीं नहीं आज मैं ना मोनू पे नजर रख रही हूँ, ये सब बाद में करूंगी। मम्मी जी आपने काफी नजर रख ली, अब जाके प्लीज पापा जी को घूरिए, वो मिस कर रहे होंगे आपको। काम कर। सुमित प्लीज मेरी मदद करो ना। माया मुझे बहुत काम है। ओ यार। जब तक 6 नहीं बज जाते हैं तब तक समझो कि मैं घर पे ही नहीं हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत ही गहरी सोच में हूँ। मैं सब कुछ कर लूंगी। तू बैठ, काम कर, मैं मदद करती हूँ। माया पकड़। वाह फिर से नूडल। माया कुछ दिनों बाद तेरे बच्चे ना हिंदी नहीं चाइनीज बोलने लगेंगे। हाँ कुकर, मैंने छोले रखे थे कुकर में, अभी आई। ए काम कर। अरे ये छोटा चूहा बिल से कैसे निकला? बाबू अंदर चले जाओ मम्मा के पास, पापा काम कर रहे हैं। ओके अच्छा मैं 3 तक गिनने वाला हूं, तब तक अंदर जाके मम्मी की गोद में छुप जाना। ओके आंखें बंद करो। हाँ 1 2 3 कहाँ गया यार, तू कहीं नहीं जाने वाला। अभी लो दोनों चूहे आ गए। चल ये छोटा चूहा इसको बिल में फिट कर देते हैं। हाँ और ये बड़ा चूहा यहाँ पे बैठ जाएगा। इधर आ जाओ मेरा छोटा चूहा, मेरा बड़ा चूहा। अभी आज हम अभी के फेवरेट चिप्स और सॉस खाएंगे। अरे, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो बेबी अंदर चलो, पापा को काम करने दो। नहीं रहने दो ना, अब ये दोनों छोटे चूहे यहाँ पे फिट हो गए। लेकिन तुम्हारा काम? अरे घर से काम करने में यही तो मजा है। क्या हुआ बेबी? मैं ना योगा क्लास जाके आती हूँ। अभी को सोने मत देना नहीं तो रात को बहुत परेशान करेगा। अरे तुम बिल्कुल फिकर मत करो, आज हम खेलने वाले हैं और पापा साथ में काम भी करने वाले हैं। ओके लव यू सुमित, लव यू टू, बाय। अभी
नहीं। अब देखो, अब ये सारे पेट के कीटाणु जो है हम मार डालेंगे। अबे मोनू, देख सोनू क्या लेके आया, धर्मपाजी के चीनी रिश्तेदार जो हाथों से नहीं लातों से बात करते हैं। भाई घर पे नहीं है क्या? नहीं। बढ़िया। पर तुम लोग ऊपर क्यों आ गए? मैं काम कर रहा हूं। मतलब काम शुरू करने वाला था। आलिया अभी को अंदर लेके जाओ, चलो चलो। ओके पापा। बाय बेटा। तू घर पे क्या कर रहा है? जब तक दर्जी मेरी पतलून ठीक नहीं कर देता तब तक मैं डिपार्टमेंट में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। अबे काम तो जिंदगी भर होता रहेगा, पर ये जो ये चाऊ माल जूड़े कराटे की पिक्चर लेके आया ना स्वरूप, ये अगर आज नहीं देखी ना तो मेरा तो राजबाड़ी अजब होने वाला है। घरवाली बनी कुंफू वाली, धोती के नीचे निकला कराटे, मुलाकात बनी मुकालात, कसम हाथ भरे घूसों की, छोटू लंबू के उड़ते थप्पड़। मुझे काम करना है। अबे कुंफू कराटे नहीं देख रहे थे तो इतना बड़ा टीवी क्यों घर में लेके आया? अच्छा सुन, तेरे पास मुर्दा बोला कुंफू कुंफू है क्या? पार्ट वन से लेकर पार्ट फाइव तक पूरे है। तो फिर एक तो देखना बनता है। ये हुई ना बात। ठंडी बियर शेयर भी मंगा लेते। रोशनी की चूसनी नीचे चाइना की चाची की चूटू से मेरा फाइट सीन मिस हो रहा है। कुंफू माता की कसम, आज मैं इस ठुल्ले को दिखा दूंगा। हटो सामने से, अगर साइड से नहीं हटे ना तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडे मारूंगा। हटो हटो, देखने दो। मोजू आज मैंने तेजा चूड़ियन बना देना है। अब देखो जसवीर की चमाटों का कहर। जय बजरंग बली, बना दुश्मन की मूंगफली। बाप बेटा भाई तीनों एक दूसरे के जान के दुश्मन, ये तो बिल्कुल बीएमबी के जैसा है। बारात में बरसे कराटे। नहीं, अब तुम्हारी मैयत निकलेगी। अल्लाह बोल। खून पी जाऊंगा मैं तुम दोनों का। और कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, और कोई भाई भी नहीं। मैं तो कब से इस फैमिली से नाता तोड़ना चाहता हूँ। बाप नहीं, बेटा नहीं, भाई नहीं। तुम्हारे काम का क्या हुआ? काम ही तो कर रहा था। ये देखो पेन। तुमसे बात कर सकती हूँ? कर तो रहे हैं। अकेले में? फाइट छोड़ के जा रहे हैं तुम दबा के। फाइट तो असली किचन में होनी है पापा जी। सुमित, मैं बस साफ ही करने वाला था। अवि कहाँ है? चिंता मत करो, आलिया ने उसे अंदर सुला दिया होगा। सुमित मैंने तुम्हें कहा था अवि को सोने मत देना, दिन में सो गया पूरी रात जगा रहेगा। तुमने कहा था? हाँ सुमित।
तुमने पक्का कहा तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? ये मेरे नॉनस्टिक फ्राइंग पैन पे क्या है? अभी के क्रेयॉन्स। मैं उसे सिखा रहा था कि इनकी सब्जी नहीं बनती। बहुत ही फनी स्टोरी है। मेरा ही दिमाग खराब था। घर से काम करो, टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे क्या पता था मेरा ही काम डबल कर दोगे। एक दिन घर पे अकेले रहे और बवाल मचा दिया। बच्चों से भी बड़े बच्चे हो। बड़ा तो हूँ, आखिर बाप हूँ उनका। सुमित, बेहतर यही होगा कि काम तुम ऑफिस से ही करो। यार ये क्या बात हुई, तुम ही ने तो कहा था कि मुझे घर पे ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। मैं नहीं सह सकती अब। और क्या यार, अभी तो मैंने एंजॉय करना शुरू किया था। वैसे तो अभी और आलिया के साथ कोई टाइम नहीं मिलता। आज जब उनके साथ खेल रहा था तो रियलाइज किया कि मैं क्या मिस कर रहा था। सुमित, थैंक यू, तुमने हमारे लिए ये सब किया। लेकिन घर पे कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, अवि, आलिया, कुंग फू कराटे। तुम घर से काम कर पाओगे? आज तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ, कल हो पाएगा इसकी क्या गारंटी है सुमित? और ऐसे ही चलता रहा तो जॉब जाने की गारंटी है। शायद मुझे ऑफिस से ही काम करना चाहिए ना। मुझे भी यही लगता है। कल जब वापस ऑफिस जाऊंगा ना तो ये सब बहुत मिस करने वाला हूं मैं। बम 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 बम